अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और लाइक्स भी किया है, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मुझे मिले हैं वो बाइनेंस में विड्रा के मिले हैं। मैं आप सब लोगों का जो न्यू है उनका वेलकम करता हूँ अपने चैनल कॉमटेक में। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और वीडियो को स्किप ना किया करें। जब स्किप करते हैं तो आपको वीडियो की समझ नहीं आती, और फिर लोग मुझसे कमेंट में और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि सर ये हमें इसकी समझ नहीं आई और इसका बता दें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसका भी विड्रा आपने करना है, फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने अब TRS का विड्रा करना है, ठीक है। TRS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें ऑप्शन विड्रा की ऑप्शन आ रही है। ये विड्रा की ऑप्शन आ रही है, ये देखें ये विड्रा की ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब भी TRS आप विड्रा करेंगे तो आप TR20 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, एक TRS फीस लगी। इधर आपने एड्रेस देना है, इधर आपने एड्रेस देना है, पेमेंट रिसीव कर लेनी है। मिनिमम आप 2 TRS विड्रा कर सकते हैं, 2 TRS लिखेंगे तो 1 TRS फीस आ जाएगी इसकी। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर हमारी फ़ीस ज़ीरो हो तो हम, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी फ़ीस ज़ीरो हो, यानी कि हम किसी को अगर बाइनेंस पे सेंड करते हैं, कोई भी पेमेंट सेंड करते हैं तो उसकी फ़ीस ज़ीरो हो, तो आप इसके लिए USDT सेलेक्ट करेंगे। ये USDT है, आपने ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये USDT आपने सेलेक्ट कर लेना है। USDT सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे विड्रा की ऑप्शन में चले जाना है। ये विड्रा पे क्लिक करेंगे, जैसे विड्रा पे क्लिक करेंगे आप ये देखें BEP की ऑप्शन, यहाँ पे ये फ़ीस इतनी कह रहा है कि इसकी फ़ीस 0.042 है। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है और मेमो भी लाजमी देना होता है। इसमें अगर सबसे कम जो फ़ीस है, जो ना होने के बराबर बल्कि ज़ीरो फीस है, वो है ये। इसको आगे आप थोड़ा सा स्किप करेंगे, रोटेट करेंगे राइट साइड पे, तो ये आपको TRC 20 नज़र आएगा। ये देखें ये TRC 20 नज़र आएगा। इधर आपने कोई भी एड्रेस दे देना है जो कि USDT का हो, जिसको आपने बाइनेंस पे सेंड करने हैं या ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करने हैं, वो आपने इधर एड्रेस दे देना है। और ये देखें लिखा हुआ है मिनिमम 1 USDT आपको सेंड किसी को कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी आप देख लें, ये आपके सामने है ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो फीस शो हो रही है। और ये सबसे बेस्ट है बाइनेंस पे किसी को पेमेंट सेंड करने के लिए। कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपने दोस्तों फ्रेंड्स को पेमेंट सेंड करनी होती है बाइनेंस पे, तो ये सबसे फ्री मेथड है। इससे कुछ भी फ़ीस नहीं लगती, आपकी ज़ीरो फीस लगती है और पेमेंट भी सेंड हो जाती है, और पेमेंट भी 1-2 मिनट के अंदर सबसे फास्ट पेमेंट सेंड होती है इस प्रोसीजर से। इधर आपने एड्रेस देना है, और ये बात लाजमी याद रखनी है कि जिसको आपने पेमेंट सेंड करनी है उससे भी TRC 20 का ही एड्रेस लेना है, TRC 20 का एड्रेस लेना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एड्रेस आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जितनी आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख लेनी है और फिर कंफर्म कर देना है। आपकी ये विदाउट एनी फीस, यानी फीस ज़ीरो होगी और पेमेंट आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि हमें विड्रा में काफ़ी इशू आ रहा है, और हमें ये बताएं कि हमारी ज़ीरो फीस हो और विड्रा भी हो जाए, तो ये वीडियो बहुत अच्छी है।
यानी कि इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं कि ज़ीरो फीस कैसे हम ज़ीरो फीस से आगे दूसरे बंदे को जो बनास पे है या ट्रस्ट वॉलेट पे है उसको पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं न्यू वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस पे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।